सीएम योगी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं, पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। आज वाराणसी दौरा था, पीएम के दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं वाराणसी। लेकिन इस दरमियान आप इन्हें देख सकते हैं कि मंत्रोच्चार के बीच पूजन अभिषेक की तस्वीर। काशी के कोतवाल का अभिषेक करते आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को, और बकायदा अभिषेक और श्रृंगार के इस पूजन अभिषेक में शामिल हैं, लीन हैं। हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आगे और किस तरीके के कार्यक्रम हैं सीएम के। नीतीश बताइए, जलाभिषेक और बकायदा रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं सीएम, आगे और क्या कुछ कार्यक्रम है? लता, अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री 15 जुलाई को बनारस आ रहे हैं और बनारस में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, प्रधानमंत्री 15 जुलाई को पूरी काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। लगभग 1550 करोड़ की योजनाएं हैं, और आपको बता दूं कि उन्हीं के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री आज काशी पहुंचे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री IIT ग्राउंड पहुंचे, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया, गहन समीक्षा की और सुरक्षा इंतजामों को जांचा मुख्यमंत्री ने। उसके बाद MCH विंग गए, MCH विंग के बाद मुख्यमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और उसके बाद अब मंदिर में बाबा का दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री धोदौलिया जो पार्किंग है वहां पर जाएंगे, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री यहां पे इसके बाद सर्किट हाउस जाकर अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के मद्देनजर खास है, और मुख्यमंत्री इस दौरान जब भी कहे कि मुख्यमंत्री का इसके पहले भी जब भी काशी दौरा हुआ है बाबा का दर्शन उन्होंने जरूर किया, और इस बार भी मुख्यमंत्री बाबा का दर्शन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं।
कहा ऐसा जाता है कि जब कोई सामने कोई भी बड़ा चैलेंज हो, कोई भी काम हो, तो बाबा के दर्शन करने मात्र से पूरा हो जाता है। और जिस तरह मुख्यमंत्री यहां पर दर्शन पूजन और अभिषेक कर रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के दौरे के सफल होने की कामना से कर रहे हैं और आने वाले समय में उन्हें बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा, ऐसी बात है सामने। और मुख्यमंत्री इस वक्त दर्शन पूजन करते हुए जी बिल्कुल नीतीश, अब ये दर्शन पूजन की तस्वीरें पूरी होती नजर आ रही हैं और अभिषेक पूरा हो चुका है, सीएम आगे बढ़ चुके हैं। अब ये काफिला किधर की ओर रुख करेगा नीतीश? स्नेहलता, अभी की जो वर्तमान की स्थिति है, ये काफिला अभी गोदौलिया पार्किंग की ओर रुख करेगा। गोदौलिया पार्किंग का जायजा लेके मुख्यमंत्री उसके आगे फिर सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो कोई भी सुरक्षा और इंतजामों में कमी न रह जाए। एक जो बात सामने अभी आ रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो वो काफिले के साथ कार से बाबतपुर एयरपोर्ट की ओर जाएंगे। ऐसी स्थिति में पूरे शहर में बैरिकेडिंग की जा रही है और सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज होगा। तो पूरी सुरक्षा पुख्ता हो, सुरक्षा चाक चौबंद हो, इन सारे विषयों पर आज मुख्यमंत्री जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूरी बातचीत करेंगे, उनसे जायजा लेंगे। कुल मिलाकर ये अधिकारियों के लिए ग्रैंड फिनाले से पहले वाली स्थिति होगी नीतीश, क्योंकि अब उन्हें सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का वक्त भी नहीं बचा है। जी जिसने लता, चूंकि जब मुख्यमंत्री का आगमन होता है, जब भी प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो उसके पहले मुख्यमंत्री तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, तो वही तैयारियां और उसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री आज काशी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही तैयारियों की चुस्ती और भी बढ़ा दी जाएगी। तैयारियां पूरे तौर पे कहें तो मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब काशी में सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार है, पूरी काशी को सजाया जा रहा है, काशी को रंग रोगन से सजाया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था काशी में पुख्ता रहेगी उस दिन, हर जो कहे बैरिकेडिंग रहेगी, बैरिकेडिंग के साथ ही डायवर्जन भी लागू होगा उस दिन। तो पूरी तरह से 15 जुलाई को लेकर सुरक्षा खेमे में तब्दील होगी काशी, और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री आज यहां पहुंचे हैं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए। जिस गदौलिया पार्किंग की तरफ रुख कर रहे हैं सीएम, वो बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह रही है, लंबे वक्त से वहाँ लोग पार्किंग के लिए परेशान थे, वहाँ ये व्यवस्था किस तरीके से पूरी हो चुकी है, कितनी ज्यादा सुविधा होगी लोगों को जरा बताइए। जिस तरह से गदौलिया और चौक का इलाका खासतौर पर यह कहा जाता है कि काशी की पहचान के तौर पे, चूंकि जिस तरह से पहले कही जाती थी ये बातें कि काशी में अगर गए और गोदौलिया और चौक के जाम में न फंसे तो शायद काशी आना व्यर्थ हो जाए, ये बातें कही जाती थी, कहावतें कही जाती थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी और ये मल्टी लेवल पार्किंग है, यहाँ पर आधुनिक पार्किंग बनाई गई है स्मार्ट सिटी के सहयोग से, तो इस पार्किंग को बनाने में कहें तो एक बड़ा चैलेंज था। यहाँ पर जिस तरह से वाहनों की आवाजाही थी, जिस तरह से सकरा इलाका था, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ का टांगा स्टैंड था उसको डेवलप करके यहाँ पर जिस तरह से मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, वो एक वरदान होगी यहाँ की यातायात व्यवस्था के लिए। यहाँ पर जब वाहन खड़े होंगे, जब वाहन यहाँ पहुंचेंगे, तो घाट के लिए जाने के लिए जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो कई अगर कहें कई मायने में जो गोदौलिया की ये मल्टी लेवल पार्किंग है वो खास मायने में खास है, और मुख्यमंत्री इस बार इस जो मल्टी लेवल पार्किंग है इसको भी अंतिम रूप देंगे। प्रधानमंत्री का ये तोहफा होगा काशी को, जिस तरह से काशी की जनता और काशी आने वाले पर्यटक जाम का संकट झेलते थे, उनके लिए ये वरदान के रूप में होगी मल्टी लेवल पार्किंग। तो जाहिर तौर पर उस पे आसपास जितनी भी शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जितनी दुकानदार हैं, उनके लिए भी ये बहुत खुशी की लहर होगी। निश्चित तौर पे, जिस तरह से गोदौलिया में आमतौर पे देखा जाता था कि जब आप गोदौलिया से घाट की ओर जाते थे तो रास्ते में गाड़ियां खड़ी रहती थी, बल्कि ये कहे कि खड़क को दो भागों में वो गाड़ियां ही बांट देती थी, अब वो गाड़ियां वहां नहीं रहेंगी। और आगे की योजना भी बता दूं सर लता आपको, आगे की जो योजना है वो आप गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग से घाट की ओर जाने वाले जो रास्ते पर है वहां की दुकानों को हटाकर पूरे रास्ते को चौड़ा किया जाना, और वो दुकानें जो गोदौलिया से दशाश्वमेध की ओर जो मार्ग है वहां पर एक इमारत बनाई जाएगी, इमारत में ये सारी दुकानें शिफ्ट की जाएंगी और एक नए रूप में काशी सामने आएगी। तो गोदौलिया का जो चौराहा है वो उसकी तुलना इस वक्त लंदन स्ट्रीट से की जा रही है और पूरा चौराहा विकसित हो गया है। अब आप ये बता ही रहे नीतीश, तो कई लोगों के आरोप भी हैं, और जिस बनारस को हम जानते हैं उसकी अपनी जो फील है जिसे कहते हैं उसका अपनापन है, क्या उसे इंटैक्ट रखा गया है? कहीं ऐसा तो नहीं एकदम नया नया सा लगेगा बनारस, क्योंकि पुराना बनारस लोगों को पसंद है, लोगों को प्यार है काशी से।
जी स्नेहलता, जो प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट का जो कार्य है, प्रधानमंत्री जो चीजें कहते आए हैं कि हम आधुनिकता को लाएंगे लेकिन पुरातनता को सजोते हुए, तो पुरातनता को पूरी तरह से सजोया गया है। जो दीवारें हैं उनका रंग रोगन किया गया है, उनसे बहुत छेड़छाड़ नहीं की गई है, सिर्फ उनको सजा दिया गया है और उसे आधुनिक रंग में ढाल दिया गया है। तो पुरातनता को सजोते हुए काशी का विकास किया गया है और उसी विकास के पथ पर काशी आगे भी बढ़ेगी। और इस बार प्रधानमंत्री का आगमन जिस तरह से खास है, 1550 करोड़ की जो योजना है स्नेहलता, वो सिर्फ शहर के लिए ही नहीं बल्कि गांवों के लिए, गांवों में जो जल की व्यवस्था की जा रही है वो भी सौगातें प्रधानमंत्री इस बार देने वाले हैं। तो शहर से लेकर गाँव तक एक विकास की सौगात प्रधानमंत्री देंगे जनता को, और जनता प्रधानमंत्री के इंतजार में पलक पौड़े बिछाकर अब इंतजार करती हुई। बिल्कुल, और देखिए ना कि सारी व्यवस्थाओं का जायजा, सारी चीजें दुरुस्त हैं कि नहीं, इसके लिए भगवान के पूजन अर्चन से लगाए जमीनी स्तर पर एक्शन दोनों दिखाई दे रहा है इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, जिसे देखकर बताया जा सकता है कि इस तमाम जो परियोजनाएं वो कितनी ज्यादा दिल के करीब है। उनका सही रूप से जमीन पर आना, मूर्त रूप में आना कितना ज्यादा मायने रखता है सीएम के लिए, पीएम के लिए, इस बात से समझा जा सकता है। लगातार दौरों पर हम बताते रहे दर्शकों को कि किस तरीके से पहले भी यहाँ पर सीएम आ चुके हैं, अधिकारियों के साथ बैठक ले चुके हैं कि भाई ये टारगेट है, ये डेडलाइन है, इस वक्त तक ये पूरी होनी चाहिए, और अब लगता है वो सारी चीज़ें सही रास्ते पर चल पड़ी हैं और ईश्वर से कामना भी वही की जा रही है। इसी के तहत ये तमाम तस्वीरें आई हैं और जानकारी हमारे सहयोगी नितेश हम तक दे रहे थे। नितेश, शुक्रिया आपका।